हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है अनुपम फिनसर्व लिमिटेड। ये जो कंपनी काम क्या करती है, ये NBFC कंपनी है जो RBI के साथ रजिस्टर्ड है, जो कि लोन प्रोवाइड करती है। ये NBFC कंपनियां होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां। अच्छा, ये लोन किस किस सेक्टर में पास करती है, तो ये कैपिटल मार्केट फाइनेंस के सेक्टर में लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें ये स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड यूनिट हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो और अदर सिक्योरिटीज हो गया, उनके अगेंस्ट में ये लोन देती है। दूसरा, जो ये लोन देती है कॉरपोरेट फाइनेंस के सेक्टर में भी ये लोन प्रोवाइड करती है। तीसरा, जो ये लोन देती है मॉर्गेज लोन भी देती है, जिसमें ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन देती है, और ये पर्सनल लोन भी देती है, जिसमें ये सैलरी के ऊपर भी लोन देती है। अच्छा, मार्केट कैप की बात करें तो इसकी जो मार्केट कैप है वो 27.6 करोड़ की है, और इसका जो बानवी का है वो 4.14 रुपया है, और इसका जो बानवी का लो है वो 1.59 रुपया है। इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ये देखिए, मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 64 लाख की सेल्स की थी। जून 2022 में जो कंपनी ने जो सेल्स की है वो 60 लाख की है। जो नेट प्रॉफिट है वो जून क्वार्टर में 16 लाख है, और जो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 31 लाख था, दिसंबर 2021 में 35 लाख था, और सितंबर 2021 में 45 लाख था। तो जो कंपनी है लगातार जो प्रॉफिट है वो जनरेट करने लग रही है। और अगर इस साल भी जो कंपनी के सेल्स की बात करें तो इस साल जो कंपनी ने जो टोटल सेल्स की है अब तक 2,89 करोड़ रुपये की सेल्स की है, और इसमें जो कंपनी को जो टोटल प्रॉफिट हुआ अभी तक 1,27 लाख रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। और कंपनी के पास कैपिटल की बात करें तो जो इसकी जो खुद की जो कैपिटल है वो 11.56 करोड़ और 2.29 करोड़ है, यानी कि बोल सकते हैं कि लगभग 14 करोड़ के करीब कंपनी के पास खुद की कैपिटल है। और अगर कर्जे की बात करें कि कंपनी ने कितना कर्जा ले रखा है, तो ये देखिए, मार्च 2019 में कंपनी के ऊपर 7.91 करोड़ का कर्जा था, जो कि मार्च 2020 में 6.57 करोड़ का रह गया, और मार्च 2021 में कंपनी ने कर्जे को और कम किया, जो कि हो गया 6.47 करोड़ का, और अभी मार्च 2022 तक जो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 3.09 करोड़ का है, यानी कि कंपनी लगातार अपने ऊपर जो कर्जा है उसको कम करने लग रही है। और अगर प्रमोटर के होल्डिंग की बात करें तो जो मार्च 2021 है उसमें प्रमोटर की होल्डिंग 22.89 थी, जो कि जून 2021 में बढ़ के 23.60 हो गई, और सितंबर 2021 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 29.31 कर लिया, और जून 2022 तक जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 29.31 ही है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इसमें लगातार बढ़ाने लग रहे हैं। और अगर DII की होल्डिंग की बात करें तो जो DII की होल्डिंग है इसमें 0.02% की ही बनी हुई है लगातार। अगर पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 70.67% पब्लिक की होल्डिंग है इसमें। देखिए, 30 सितंबर 2022 को जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 2,19,830 शेयर की हुई थी, जिसमें से जो डिलीवर जो क्वांटिटी है 1,75,580 की है, यानी कि 79.87% की जो क्वांटिटी है वो इसमें होल्ड की गई है। देखिए, जो कंपनी है वो एक बेहतरीन कंपनी है और RBI के साथ ये रजिस्टर्ड है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी खुद की जो रिसर्च है वो भी ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के कहने पर ही इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसमें जो लगातार जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ने लग रही है, दूसरा जो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो लगातार घटने लग रहा है। अगर आप इस स्टॉक को बाय करते हैं और इसको 1 से 2 साल तक अगर इसको होल्ड करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। स्टॉक में 500,000 या जो भी है थोड़ा बहुत कुछ इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो आई होप दोस्तों को जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।